अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम AFF 2020 क्वालकॉम चिप है CPH1933, इसका लॉक रिमूव करेंगे। वो आज मिनी सोल्डिंग आयरन से, USB सोल्डिंग आयरन से। तो ये है जी USB सोल्डिंग आयरन, बिल्कुल मेरे ख्याल में 600-700 रुपये का है, कितने का है। तो ये बिल्कुल मिनी है और ये USB में आप कनेक्ट करके इसको गर्म कर सकते हैं। बहुत जल्दी गर्म होता है, काफ़ी ब्रीक है और महंगे काव्य से का भी रिव्यू दिया हमने, कहा चलो सस्ते काव्य का भी रिव्यू कर दें। तो ये बहुत ही छोटा सा है और सिंपल सा काव्य है, बस इसमें USB कनेक्ट करके USB लगाएं और ये उसी वक्त ही गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये ऑटो बंद भी हो जाता है, ये जब गर्म हो जाता है तो इसको थोड़ी देर रख देंगे तो ये ऑटो बंद हो जाएगा। तो आज हम इसी सोल्डिंग आयरन से AFF 2020 का CPU स्क्रैच करके टांके लगाएंगे और लॉक रिमूव करेंगे। तो ये इसके साथ मैं जो USB चार्जर है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, कम पैसों में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। छोटा सा एलिमेंट लगा हुआ है, छोटी सी बिट लगी हुई है, और ये आप लैपटॉप पे किसी भी चीज़ पर लाइट भी ना हो तो फिर भी आप इसको चला सकते हैं और ये गर्म भी बड़ी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड चेक करें, ये बहुत ब्रीक है, गर्म हो चुका है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त गर्म हुआ है। इस पर सोल्डिंग चेक करें तो बहुत जल्दी सोल्डिंग पकड़ रहा है। ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये फहीम भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने कहा ये टेस्ट करते हैं। तो ये है CPH 1933 AFF 2020। तो इसको लॉक लगा हुआ है, इसका लॉक रिमूव करेंगे तो हम जो टांके लगाएंगे तो ये इसी सोल्डिंग आयरन से लगाएंगे। और ये मिनी ड्रिल है, तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और जल्दी से CPU को स्क्रैच करते हैं। तो फिर बोर्ड मैंने निकाल लिया है, तो हम वही एरिया जो है वो निकालेंगे जो हमने स्क्रैच करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका CPU स्क्रैच करेंगे। ये ड्रिल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही जल्दी ये CPU को स्क्रैच कर देती है, बहुत क्लास चीज़ है। वैसे भी अब अपडेट तो आ गई है, लेकिन MT की चिप की आई है, क्वालकॉम की नहीं आई। तो जब जो ऐसा बाकी रह जाता है वो हम प्लेट से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो ऐसा रह जाता है वो भी हम ड्रिल से करेंगे तो हो सकता है कि वो नुकसान हो जाए, नीचे से ज़्यादा ड्रिल हो जाए। तो थोड़ा सा जो ऐसा है
वो हम कर देते हैं ब्लेड से, तो थोड़ी थोड़ी सी सीटी सी डालते रहेंगे तो फिर आराम से ये स्क्रैच हो जाएगा और नीचे नज़र भी आता रहेगा कि कितना स्क्रैच हो गया। तो फिर पॉइंट हमारे निकल आए हैं, जल्दी से हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे शीशे की तरह साफ करना है, जैसे शीशे में शक्ल नज़र नहीं आती ऐसे पॉइंट नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर, तो पॉइंट निकालने के बाद हम इसको सोल्ड करेंगे, तो इसी कावे से हम सोल्ड करते हैं। ये सबसे पहले इसको बीजी पीस लगा के चारों पॉइंटों को सोल्ड कर लेना है। असल में इसको अगर आप मजबूती से पकड़ेंगे तो फिर तो ये टांका लगेगा, वरना वो टांगा गर्म होता है जब कावे हटाते हैं तो ये आगे से हट जाता है, तो ये मसला आ जाता है। कावे जो भी हो आप टांगे आराम से लगा सकते हैं, लेकिन ये जितना अच्छा कावे होगा उतना चलेगा ज़्यादा, जितना ही कम कावे होगा कम पैसे का वो चलेगा ही उतना। फ्रेंड टांके हमारे लग गए, तो फ्रेंड्स टांके हमारे लग गए हैं। वो पैंट ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मिल गए हैं लेकिन वो मिले हुए नहीं है, तो जल्दी से हम बॉक्स से कनेक्ट करते हैं, पीछे से यूएसबी लगा देंगे वीसीसी और वीसीक्यू के लिए, और जल्दी से इसको कर लेते हैं कनेक्ट। आईएसपी पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। तो पहली दफ़ा तो कभी कनेक्ट हुआ नहीं ना हमारे से, और फिर हम अडाप्टर निकाल के फिर हम यूएसबी कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर डिटेक्ट करेंगे। तो जब ये थोड़ी सी देर लगाए ना तो उसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो गया, तो हमारा मोबाइल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो टूल में जाके रीसेट कर देंगे और हमारा कोड रिमूव हो चुका है। तो टांकी हमने उतार ली है, अब हम इसको फिट करके चेक करते हैं
हमारे मोबाइल का कोड रिमूव हो चुका है कि नहीं। तो ये काविया सस्ता भी है और अच्छा भी है, और जितने इसके पैसे हैं उसमें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, कम रेट में चलने में भी बहुत अच्छा है, गर्म भी जल्दी हो जाता है। हम इसको यूज़ भी इस वक्त करें जब हमने इसको टांके लगाने होते हैं, आगे पीछे यूज़ ही ना करें। काफ़ी ज़्यादातर ख़राब होता है तभी होता है जब हम उसको लगा के रख देते हैं, उसकी बिट गर्म हो जाती है फिर वो ख़राब हो जाता है, तो प्रॉब्लम तभी बनती है, वरना तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं बनती। काविया जल्दी ख़राब नहीं हो, जो भी काविया ऑटो बंद हो जाता है ना वो कभी ख़राब नहीं होता, उसकी बिट भी कभी, क्योंकि ज़्यादातर तो हम भूल जाते हैं काविया रख के, वो चलता रहता है चलता, उसकी बिट ही ख़राब हो जाती है। तो ये कम के पैसों में ज़बरदस्त चीज़ है। तो मोबाइल हमारा का कोड रिमूव हो चुका है, तो जब तक क्वालकॉम की सपोर्ट नहीं आती तब तक तो खोल के ही करना पड़ेगा, और MTK के तो मज़े लगे पड़े हैं, अब ना खोलना पड़ता है ना कुछ, ना खुलेगा ना डेड होगा। और जो क्वालकॉम है उस पर अभी लगे हुए हैं, उसकी अभी कोई सलूशन आई नहीं है, और MTK जो है वो सारे बॉक्स दे रहे हैं, ये आ गए हर चीज़ आ गई उसकी, तो फ्रेंड्स जब जल्दी से हम इसको बाईपास कर लेंगे, और इसका मेन्यू में चेक करते हैं इसका मॉडल कौन सा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।